यार एक का भी एक कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई, बड़े टाइम से चल रही, जब से आया हूँ देख रहा हूँ ये है भी कोई कई कई मतलब किलोमीटर तक ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, मालूम नहीं कब खत्म होगी। वैसे विंटर से पहले पहले ये लोग चाह रहे हैं कि इनको खत्म किया जाए जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, नहीं तो फिर बर्फ जो है एक्सट्रीम ठंड जो है और बर्फ रोड को बिल्कुल तोड़ देगी। लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती अगर स्पीड 90 हो जाती है, 110 से आप 90 में जा सकते हो, दो की बजाय एक साइड खुली होती है, आप एक ट्रैक यूज़ कर सकते हो, काम चलता रहता है, रुकता नहीं है। आज फील हो रहा है कि ठंड आ गई है, मौसम काफ़ी ठंडा था जैसे सर्दियों में ठंडी हवा चलती है, इस तरह से आज हवा चल रही थी सुबह से, और हर बंदा जो है वो तैयारी में लगा हुआ है। हमारे जो घर के ओनर हैं वो भी अपने जो पार्किंग के सामने गाड़ियों की पार्किंग के लिए जो कारपेट लगा होता है उसको टचअप करवा रहे थे। आज 25 सितंबर है, अक्टूबर मिड ऑफ अक्टूबर से कहते हैं कि विंटर जो है वो प्रॉपर शुरू हो जाएगा। लेट्स सी क्या होता है, पहला विंटर है यहाँ कनाडा में, इससे पहले तो सऊदी का देखा था सर्दी, सऊदी में ठंड इतनी तो नहीं होती लेकिन जनवरी में होती है थोड़ी बहुत, दिसंबर और जनवरी। लेकिन यहाँ पे तो भाई पूरी बर्फ गिरेगी, अब आयरन के बर्फ में ड्राइव कैसे करेंगे, सुना है कि रोड बड़े साफ कर देते हैं ये लोग और रोड के ऊपर नमक भी छिड़क देते हैं, लेकिन फिर भी देखिए कैसा होता है। आज मंडे है, पहला ट्रिप है और पहला ट्रिप ही बस आखिरी लगेगा आई थिंक, क्योंकि काफ़ी लंबा ट्रिप हो जाएगा, पूरा हफ्ता लग जाएगा इसी में। न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर जो है प्रोविंस काफ़ी दूर है, तो आज मंडे है और थर्सडे मॉर्निंग में डिलीवरी करनी है, तो आज का दिन तो अभी शाम हो रही है, कल ट्यूसडे परसों वेडनेसडे दो दिन है पहुंचने के लिए, इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। नोवा स्कोशिया सिडनी नोवा स्कोशिया का सिटी है, ऑस्ट्रेलिया वाला सिडनी नहीं है, ये नोवा स्कोशिया का सिडनी है, वहाँ तक तो ट्रक ही जाएगा आगे से, फिर फेरी में लगेंगे कोई 7-8 घंटे 9 घंटे तक फेरी में लगेंगे, उसके बाद देखेंगे फिर न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर में ड्राइव करनी होगी, वहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि अच्छा खासा फासला है लुइसपोर्ट, टारगेट जो है लुइसपोर्ट है, वहाँ पे डिलीवरी करनी है। माउंटेन के स्टॉप पे पहुंच चुके हैं, द स्टॉप फॉर ट्रकर्स, मेरा ख्याल है कि माउंटेन का सबसे बड़ा स्टॉप यही है, हर तरफ ट्रक ही ट्रक हैं। मगरिब का टाइम हो चुका है, खाना भी खाएंगे यहाँ पे, कॉफ़ी भी पियेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे आगे। अभी है मेरे ख्याल से 200-300 किलोमीटर और है अभी, यहाँ पे मैकडोनल है, टिम हॉर्टन है,
काफ़ी बड़ा स्टॉप है। मौसम भाई ठंडा हो चुका है, आज जब होड़ी डाली है ठंड लग रही है बाकायदा। बोर्डिंग हो गई, लेन नंबर मिली है 19। यहाँ से सुबह कह रहे हैं कि 10:30 बजे हम लोग स्टार्ट करेंगे लोडिंग फेरी में। फेरी भी सामने खड़ी है और ये इस तरफ लाउंज है, अगर कॉफ़ी शॉपी पीनी हो, शावर लेना हो तो यहाँ पे खड़ा करेंगे, आराम करेंगे, रेस्ट इंशाल्लाह। मिलते हैं सुबह, काफ़ी थक गए हैं, 900 किलोमीटर कर आए हैं, सोएंगे खूब सुबह 10:30 बजे तक। 10 बजे उठ के नाश्ता करके फ्रेश होके तो फिर इंशाल्लाह मुझे जो सामने फेरी खड़ी है उसमें जाएंगे। हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? सुबह हो चुकी है, 9:30 हो रहे हैं, तकरीबन 10:30 बजे कह रहे हैं कि जाएंगे शिप पे, फेरी पे। अभी चलते हैं, कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं, टर्मिनल से रेडी होते हैं। किधर है भाई कॉफ़ी? नीचे तो नहीं है, अच्छा भाई ये बड़ी पुरानी है, ये आज से नहीं चल रही है, ये बहुत बड़े टाइम से चल रही है। एमवी कारिबू, एमवी फ्रेडरिक कार्टर, ये सारे जो हैं ये यहाँ पे चल चुके हैं पहले। अच्छा भाई, ये लॉन्च के बैक साइड पर है, बाहर बोर्डिंग पास चाहिए होता है बाहर आने के लिए, और जब वापसी जाएंगे तो फिर वो कह रहे हैं कि आपका लाइसेंस या कोई भी आईडी जो है जिस पे आपकी पिक्चर लगी हो वो चाहिए होगी। ये सामने एक ये फेरी है और एक ये फेरी है, आई थिंक इनमें से एक जाएगी। ये सारे सामने ट्रक्स की लाइन लगी है, ये छोटा सा सिटी है, छोटा सा नहीं बड़ा सिटी है, सिडनी नोवा स्कोशिया का। ठंड है भाई आज, अच्छी खासी ठंड है, रात को तो ट्रक में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, मैंने एसी बंद करके ब्लैंकेट वगैरह डाल दिए थे ऊपर, टेम्परेचर चेक करता हूँ कि क्या हो रहा है।
और ये मिडलैंड कंपनी का ट्रक है, देखो क्या ट्रक है माशाल्लाह, इतना बड़ा साफ सुथरा, किसी ओनर ऑपरेटर का है, कंपनी के इस तरह के ट्रक नहीं होते इतने लॉन्ग नोज और खूबसूरत से साफ सुथरे। किसी बंदे ने ना लगाई है कंपनी में, अपना ट्रक है कंपनी में लगाया हुआ है।
केबिन मिल चुका है भाई, सामान शामान रख दिया अपना। यहाँ पे टीवी भी है, आपको टॉवल भी मिल जाएंगे नहाने के लिए, रेडियो भी है, चार्जर भी है, और छोटा सा यहाँ पे वॉशरूम भी है, शावर भी ले सकते हो। और ये सॉप शॉप है, इसमें शैम्पू वगैरह लाने की ज़रूरत नहीं है, ठंडा गर्म पानी दोनों मिलेगा। सो लेट्स गो ऑन द टॉप, देखते हैं बाहर कैसा है। फ्रेश हो लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अभी चलते हैं ऊपर। अभी चल नहीं रही, मूव होना हल्की हल्की स्टार्ट हो चुकी है। मिल गया भाई रास्ता बाहर आने का। भाई माशाल्लाह क्या व्यू है, ये वो इमरजेंसी, अल्लाह करे किसी की जरूरत ना पड़े इसको। ये है शहर सिडनी, वो सामने जहाँ सुबह कॉफ़ी पी थी टिम हॉर्टन। ये दूसरी फेरी है, ये भी ये बंद लग रही है, प्रिपरेशन में नहीं है। बहुत ही अच्छा व्यू है भाई माशाल्लाह। अच्छी खासी स्पीड है भाई माशाल्लाह इसकी तो। मैं सोच रहा था बहुत स्लो चलेगा, लेकिन ठीक है, सही है। बहुत धूप ले ली भाई, अभी बहुत नींद आ रही है क्योंकि रात को ठीक तरह से सोया नहीं 5-6 घंटे, और ऊपर बाहर जो है हवा भी काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो चलते हैं अपने केबिन में, रूम में जाके सो जाते हैं। 5-6 घंटे लगेंगे यहाँ पे, फिर वहीं लेब्राडोर में पहुँच के ही फिर बात होगी इंशाल्लाह। दो चार घंटे हो गए नींद भाई, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पुरसकून माहौल है, खामोशी है बिल्कुल, टेम्परेचर भी ठीक है। अभी चलते हैं, इस टाइम फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी पीते हैं, ऊपर की धूप लेते हैं,
ऊपर वाले डेक की, क्योंकि रात को भी सोया था, इतनी नींद नहीं है बहरहाल, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। चलते हैं ऊपर, गर्मा गर्म नरमा नरम धूप के मज़े लेते हैं।